औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम आए हैं यहाँ, चंद दिन पहले आपको दिखाया था, ये मुर्दा खाना है, किसी दोस्त ने हमें डोनेट किया है और इसको अब हम रन करेंगे सारिम बर्नी ट्रस्ट के तहत। और इसमें आप लोगों ने सब ने तआवुन किया, लेकिन एक तआवुन अभी तक नहीं हो पाया। इसमें मंथली बेसिस, मैंने कहा था कि मंथली बेसिस पे करें। सारा गरीब इलाका है और इंडस्ट्रियल एरिया भी है, इधर लोग अकेले रह रहे होते हैं, आउट ऑफ सिटी के लोग होते हैं, कोई उनको कफन दफन करने वाला, उनकी बॉडी रखने के लिए कोई इंतजाम नहीं होते या चार्जेस होते हैं, तो ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगा उन सब के लिए, गरीब हो अमीर हो एक्स वाई जेड कोई भी। और 24 घंटे सर्विस होगी, 24 घंटे आपके घर पर भी किसी की अगर डेथ होती है तो उसको गुस्ल कफन के लिए लोग यहाँ पर मुहैया होंगे, वो खातून हो या मर्द हो दोनों मुहैया होंगे। ये सारा जो है ये अभी बन रहा है, इधर भी बेंचेस लगेंगे, दरख्त लगेंगे, वो मस्जिद के उस कोने तक के मस्जिद के इंट्रेंस को भी बेहतर कर रहे हैं, और उस साइड पे गुसल खाना है, इधर काम शुरू हो गया, इंशाल्लाह बहुत जल्द एंड तक पहुंच जाएगा। और ये वो सफर है जो इंसान खुद नहीं करता, कुछ लोग उसको फिर कराते हैं। जिंदगी के सारे सफर तो खुद करता है, लेकिन ये सफर लोग कराते हैं और हम सब ने ये सफर करना है। ये जो है सर खाना है, इसमें चिलर लगे हुए हैं, पर चिलर के लिए हमारे पास जनरेटर नहीं है, लोगों ने तआवुन किया है, अभी इंशाल्लाह वो भी आ जाएगा और काफ़ी बेहतर हो जाएगा। अब ये इसके बाद जब देखेंगे इंशाल्लाह तो बहुत बेहतरी की तरफ होगा या कंप्लीट की तरफ होगा, तो मेरी कोशिश होगी बहुत जल्द आप लोगों को दिखाऊं। लेकिन फिर आखिर में एक बार आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, मंथली बेसिस पे हमारा साथ दें इसको चलाने के लिए, हमारे दीगर सिस्टम चलाने के लिए, शेल्टर होम, दीगर लीगल, ये वो जितने हमारे काम है, जो जो कुछ हम कर रहे हैं उसमें हमारे साथ तआवुन करते रहें, मंथली बेसिस पे, डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे, जैसे अल्लाह ताला आपको तौफीक दे। कोई उसके लिए मखसूस अमाउंट नहीं है, जो आप कर सकते हैं वो करें, और दुआ भी करते रहें, बहुत ज़्यादा दुआ करते रहें कि अल्लाह हमें हिम्मत दे, ताकत दे, हम ये सारे काम कर सकें। बहुत शुक्रिया आप सबका, अल्लाह हाफिज़।